पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने श्वेत पत्र की मांग की है। बीजेपी सरकार से तीन सवालों पर श्वेत पत्र जीतू पटवारी ने मांगा है। सोशल मीडिया एक्स पर सवाल पूछे गए हैं, एमपी में कब होगी लोकायुक्त की नियुक्ति, कितने नेताओं की लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश हुए हैं। तो यहां पर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार से तीन सवालों पर श्वेत पत्र की मांग की है। सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछे गए हैं, सोशल मीडिया एक्स पर। ये देखिए, हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जीतू पटवारी की ओर से ये सवाल पूछे गए हैं, एमपी में कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, कितने नेताओं की लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश हुए हैं। बीजेपी सरकार से तीन सवालों पर श्वेत पत्र की मांग पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से की गई है। श्वेत पत्र मांगा गया है बीजेपी सरकार से, तीन सवालों पर यह श्वेत पत्र मांगा गया है। सोशल मीडिया एक्स पर जीतू पटवारी ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कि एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी, कितने नेताओं को की लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश हुए हैं। ये तीन सवालों पर श्वेत पत्र मांगा गया है। और प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। प्रमोद, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने श्वेत पत्र की मांग की है, तीन सवाल। वो तीन सवाल एक बार डिटेल में बताइए, कौन कौन से सवाल हैं जो बीजेपी सरकार से पूछे गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार पर भड़क गया है। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है और उन्होंने सरकार से भ्रष्टाचार को लेकर बैक टू बैक 1 2 3 यानी तीन सवाल यानी सवालों के हैट्रिक दाग दिए। जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी यार इन सब कुछ साफ करने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है पीसीसी चीफ ने कि लोकायुक्त जो परमानेंट नियुक्ति है वो कब होगी और कौन कौन से नेता हैं जिनके खिलाफ लोकायुक्त में चल रही जांच बंद करने के लिए सरकार ने लिखा है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर तीसरा जो सवाल है वो बहुत निर्णायक हो जाता है। तीसरा सवाल ये है कि प्रदेश में जो आरटीओ है कि 16 बैरियर उसमें जो लगातार पैसे की वसूली है उसको लेकर लोकायुक्त कौन कौन सी टीमें शिकायत पहुंची थी और क्या कार्रवाई हुई है। इन तीनों सवालों के जवाब सरकार से मांगे हैं और बीजेपी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का और पोषित करने का आरोप लगाया है। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष अटैकिंग मूड में नजर आ रहा है और सरकार से सब कुछ साफ करने को कहा है। बीजेपी की तरफ से फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन एमपी में भले ही बदरा छाए हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो बहस है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। कल भी एक पूर्व मंत्री के खिलाफ देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और ये बात उठी थी कि जांच अब तेजी से होगी। और आज सुबह सुबह पीसीसी चीफ ने सरकार से भ्रष्टाचार को लेकर सफाई मांग ली है। ये जो सवाल उठे हैं ये दूर तलक जाएंगे और विपक्ष इस मोड़ में नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार रही है उसकी कई शिकायतें लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में पहुंची थी। लिहाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए तो उनसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के लिए अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जो समय सीमा में जो देखिए अभियोजन चलाने की स्वीकृति के मामलों को स्वीकृति देगी। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को लेकर सियासत में आर पार देखी नजर आ रही है। तीन सवाल बैक टू बैक पीसीसी चीफ ने दागे और सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है प्रमोद, आप नजर बनाकर रखिए।